आतंकी संगठन हमास को इसराइल पर रॉकेट छोड़ना महंगा पड़ गया है। इसराइल के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी इलाके में हवाई हमले कर रहे हैं। इसराइल हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इजरायली सेना ने हमास की 15 किलोमीटर लंबी टनल और इसके 9 कमांडरों के घरों को उड़ा दिया है। हमास का एक शीर्ष कमांडर भी ढेर हो गया है। पिछले सोमवार को शुरू हुए हमलों में अब तक गाजा पट्टी में 58 बच्चों और 34 महिलाओं समेत करीब 197 लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल में भी 2 बच्चों समेत 10 की जान गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि फलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर से दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील की जा रही है। इजरायली पीएम ने कहा कि सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली होने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने हमास के 9 सैनिक यूनिट को निशाना बनाया है। हम लगातार हमास की सुरंगों को निशाना बना रहे हैं। अब एक सवाल उठ रहा है कि आखिर चौतरफा घिरने के बावजूद हमास हार क्यों नहीं मान रहा है? आखिर कौन सा देश है जो उसकी मदद कर रहा है? दोनों पक्षों के बीच का ये संघर्ष अब वैश्विक मुद्दा बन गया है। इस संघर्ष को रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में कई देश अलग अलग धाराओं में बट गए हैं। हमास को अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं, इसलिए सीधे उसे वित्तीय और मानवीय मदद देने की बजाय ज्यादातर देश UNRWA के जरिए गाजा तक मदद पहुंचाते हैं। खाद्य, राहत, चिकित्सा संबंधी सामग्री गाजा में पहुंचाने के लिए इजराइल ने एक कॉरिडोर बना रखा है। अधिकतर इस्लामिक देश फलिस्तीनियों के समर्थन में दिखते हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को उनका साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। शुरुआत सुपर पावर अमेरिका से करते हैं। इसराइल से अमेरिका की करीबी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अमेरिका ने संघर्ष विराम और शांति बनाए रखने की अपील की है। राजनयिक स्तर पर इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। वहीं न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी भी की। बेंजामिन नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की थी। अमेरिका ने फलिस्तीनियों के रॉकेट हमले के जवाब में इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। यूरोपीय देश भी हमास को चरमपंथी संगठन मानते हैं। प्रमुख यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल के प्रति समर्थन जाहिर किया है। ब्रिटेन में फलिस्तीनियों के समर्थन में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। ब्रिटेन की सरकार से इसराइल के हमलों का विरोध करने की मांग की जा रही है। ब्रिटेन में इजरायली दूतावास के बाहर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बावजूद बोरिस जॉनसन की सरकार का रुख इससे अलग है। फ्रांस की सरकार ने भी इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि पेरिस में भी इसराइल की कार्रवाई के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, हिंसक झड़प भी हुई और इसराइली कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की है। फ्रांस ने इसराइल और फलिस्तीन दोनों ही पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि फ्रांस यूरोप और मध्य पूर्व के देशों से मिलकर इसराइल और फलिस्तीनियों के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी ने भी इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। जर्मनी में भी इसराइल के विरोध में प्रदर्शन किए गए और सड़कों पर इसराइल के झंडे जलाए गए। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने जिन 25 देशों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा शामिल हैं। इसके अलावा कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन ने इसराइल के आत्मरक्षा अभियान को सही ठहराया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भले ही इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन फलिस्तीनियों का भी सुरक्षित रहना जरूरी है। इस्लामिक देशों की बात करें तो उन्होंने इसराइल का कड़ा विरोध किया है। फलिस्तीनी इलाकों में हो रही हिंसा को रोकने की बात की है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने इसराइल की खुलकर निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यरूशलम से फलिस्तीनी परिवारों को निकालने की इसराइली योजना को खारिज कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब फलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इसराइल के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अर्दोआन ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। ईरान ने भी खुलकर फलिस्तीनियों का समर्थन किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों
देशों से इसराइल को फलिस्तीन पर हमले करने से रोकने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैंने अपने भाई तुर्की के विदेश मंत्री से फलिस्तीनियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर फोन पर बात की है। तुर्की ने पूरे मामले पर OIC और UN की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी यरूशलम में हुई घटनाओं की निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात ने बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इसराइल के साथ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये समझौते अब्राहम एकॉर्ड्स के नाम से मशहूर हुए हैं। इन हालात को अब्राहम एकॉर्ड्स का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालिह ने फलिस्तीनियों के खिलाफ हमलों की निंदा की है। इसराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन के राष्ट्रपति अब्दुल्लाह का कहना है कि इसराइली हमलों को रोकने के लिए गहन कूटनीतिक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। ये बात अलग है कि जॉर्डन में फलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली गई हैं। देश लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने फलिस्तीन के खिलाफ इसराइल के आक्रामक हमले में दखल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की इसी मामले पर आपात बैठक हुई थी, जिसमें फलिस्तीनियों पर हमलों के लिए इसराइल की आलोचना की गई थी। ऐसे भी देश हैं जो फलिस्तीनियों और इसराइल के किसी भी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते। भारत इस मामले में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाता हुआ नजर आ रहा है। भारत के फलिस्तीनियों और इसराइल दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत TS तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि भारत फलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है। दो राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। साथ ही कहा कि भारत गाजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन ने इसराइल फलिस्तीनियों के बीच संघर्ष के बहाने अमेरिका पर निशाना साधा। चीन ने कहा कि खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक और मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाले अमेरिका ने फलिस्तीनियों से आंखें फेर ली हैं। फलिस्तीनियों को युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।